हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स के एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में गाइड करें। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स, वाओ वेरी नाइस। आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही एनर्जेटिक ये पर्सन एक शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा जो है ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक अपने अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशन जगा चुके हैं ये पर्सन। ये पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को लग रहा है कि इनको अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इनको ज़्यादा जो है आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए और आपके तरफ पूरे पैशन के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपको इंतज़ार करवा चुके हैं ऑलरेडी और ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार इतना इंतज़ार करवाया है, इतना कुछ करवाया है ना, अब जो है इतना इंतज़ार करवाना भी सही नहीं है। आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है, ये जो आप दोनों के बीच में गैपिंग आई है, इस गैपिंग को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब जो है इनको अपने तरफ से एफर्ट डालना होगा, अब जो है इनको अपने तरफ से एक नई शुरुआत करनी होगी, इनको अपने तरफ से जो कह सकते हैं ना कि अपने तरफ से कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई डिसीज़न लेना होगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना सोचते हुए दिख रहे हैं कि एक्शन ले लेते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इस रिश्ते में या फिर इस एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे फाइव ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ये पर्सन को काफ़ी लॉस हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन काफ़ी लॉस फील कर चुके हैं ऑलरेडी। ये पर्सन को बहुत सारी लाइफ में अपने चेंजेस देखने को मिले हैं, लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना इनको देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को लॉसेस फील हुए हैं, जिसके कारण से इनको जो है ना कहते हैं ना कि अपने अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होना, तो वो जो है ना इनके अंदर थोड़ी सी वो घुटन सी महसूस होती हुई मुझे नज़र आ रही है चीज़ें, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के या अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, ये थोड़ा सा जो है देखते हुए या कहें तो जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला कार्ड देखते हैं, फाइव ऑफ कप्स। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद, और ये पर्सन जो है ना आपको इस तरीके से याद करते कर रहे हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है ना, कि हम अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं उस समय जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर मन नहीं लगता है। तो आपके पर्सन का भी मन जो है ना यहाँ पे लग नहीं रहा है कहीं भी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, है ना, वो दिख रहा है इनको। ये पर्सन आपके साथ आपके पास आने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, ये पर्सन उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, ये थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ ना, जहाँ पे इनको खुद ही लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में चीज़ें, है ना, इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये पर्सन जो है ना ये मुझे फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ से ये कब
प्रॉब्लम ख़त्म होगी और सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, इनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियली भी ये पर्सन लॉस फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना फाइनेंशियली लॉस फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता होगा और अभी भी जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके लिए, या आपके लिए क्या होना चाहिए, इनका एक जो डिसीज़न है वो क्या होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। द लवर्स पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार आपके लिए, खुले दिल से ये पर्सन आपको अपनाना चाह रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं एकदम से। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, प्यार में कोई कमी नहीं है इनके, आपको समझना होगा, आपको यहाँ पे इनके प्यार की वैल्यू करनी होगी। आप अपने पर्सन से, ठीक है, आप अपने पर्सन से या फिर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, द लवर्स है तो प्यार दोनों तरफ से स्ट्रांग है और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो या दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ का डिसीज़न है दोनों का और दोनों ही, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों ही जो है ना एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो। ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।